एसपीएफ रेटिंग, यूवीबी, यूवीबी थोड़े अमाउंट में यूवीबी हमारे लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का काम करता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये सनबर्न, डिसकलर, इन सब के लिए प्रभावी होता है। यूवीसी, यूवीसी 100% ब्लॉक्ड है बाई आवर ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ये हमारी पृथ्वी तक आती नहीं। जब आती नहीं तो ये हमारे लिए कोई भी बग, कोई भी वायरस इससे इम्यून नहीं है। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, बग, वायरस, ये वायरस होते कितने तरह के हैं, जो यूवी स्पेक्ट्रम से जिन्हें डीएक्टिवेट किया जा सकता है। आज जिस वायरस से हम लोग पूरी दुनिया ग्रसित है, उसका एक कंपैरिजन आप देख सकते हैं। ह्यूमन हेयर, बाल का साइज होता है 50 to 180 माइक्रॉन, और कोरोना वायरस जिसका साइज है 0.1 to 5 माइक्रॉन, यानी 100 टाइम छोटा है हमारी बाल से, हमारा जो हेयर का पार्टिकल है उससे 100 टाइम छोटा है, अंदाजा लगा सकते हैं। यह यूवीसी का एक टेक्निकल टर्म्स है, यूवी ए 400 to 315 नैनोमीटर, यूवी बी 315 to 280 नैनोमीटर, यूवी सी 100 to 280 नैनोमीटर। यूवी सी 254 नैनोमीटर पे बहुत ही इफेक्टिव है वायरस के लिए। कोई भी वायरस इसमें इम्यून नहीं रह पाता, अपने आप को बचा नहीं पाता। तो आइए देखते हैं आखिर वायरस है क्या, इसको डीएक्टिवेट ये करता कैसे। वायरस में बहुत ही थिन लेयर होती है जिसके अंदर उसका डीएनए होता है। इस डीएनए को ब्रेक करने के लिए जब यूवी रेज इससे पेनेट्रेट करती है, तो यूवी का इसका डीएनए ब्रेक कर जाता है, जिससे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर खो देता है। आपके लिए कोई भी वायरस तब तक हानिकारक है जब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पा रहा। यदि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर खो दे तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां पर एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का प्ले करूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि यूवी रेज अगर पेनेट्रेट करती है तो होता क्या है। कैन वाइप आउट एमआरएसए, बट यूवी रेज कैन ऑल्सो कॉज स्किन डिजीज। कोलंबिया मेडिकल साइंटिस्ट आर टेस्टिंग ए न्यू टाइप ऑफ यूवी लैंप। जैसे ही यूवी लाइट पेनेट्रेट करती है, ये इसका डीएनए पूरी तरह ब्रेक कर जाता है, जिससे फिर हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। और ये स्टडी की गई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। स्टडी डन बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही ये पेनेट्रेट करता है, यूवी रेस के संपर्क में आता है, ये इसका डीएनए ब्रेक कर जाता है, जिसके बाद ये फिर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो फिर आपके लिए घातक नहीं है, नुकसान नहीं कर सकता। अब इसमें ये देख सकते हैं आपकी मार्केट क्या है। इसकी मार्केट साइज इन 2020 इज $2.7 बिलियन एंड 2017-27 फोरकास्ट इज $9.4 बिलियन। यहां से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये। अब इसमें से हम कितना ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इंडियन वर्ल्ड वाइड मार्केट का साइज कहां कहां है, यहां आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, पैसिफिक, इंडिया, इन सब जगहों पे इसका मार्केट है। डीआरडीओ, डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। डीआरडीओ ने कहा कि 10 मिनट में कमरा वायरस मुक्त कर देगा यूवी लाइट, यूवीसी।
यानी 10 मिनट के लिए अगर ऐसे हम जला देते हैं तो पूरा का पूरा रूम आपका डिसइंफेक्ट हो जाता है सारे वायरस एंड पैथोजन से। एग्जिस्टिंग यूवी लाइट टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल टू रिड्यूस कोविड 19 ट्रांसमिशन इन इंडोर। नवंबर 1920 क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन। Recent study has shown UV light technology already used to prevent the spread of other airborne diseases in building has the potential to be effective against COVID-19. Ultraviolet light UVC to minimize COVID-19 risk in dental clinics, Dr. Ajay Bajaj, microendodontist, Mumbai. COVID-19 safe UV light could be used to sterilize high risk indoor environment, says study. तो ये बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने ये बताया है, जिसको आप दिखा सकते हैं कि भैया देखो UV light बहुत ही ज्यादा सेफ और आपके इंडोर स्पेस को कंटेमिनेट करने के लिए, डिसइनफेक्ट करने के लिए बहुत ही पोटेंशियल रखता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसके लिए एक वीडियो प्ले करता हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि ये काम करता कैसे है। As of today, the world has been severely affected by many diseases, including COVID-19. And it's no question that we must defend ourselves against these invisible enemies. The following is a tutorial on how to use the first responder handheld UV sterilizer to sterilize both surfaces and equipment. Your device is shipped with a handheld casing, UV light bar, pair of safety glasses, and user manual. The handheld UV sterilizer can completely destroy deadly pathogens on surfaces quickly and easily. Using the UV sterilizer is simple and only takes a few moments to set up. Before we are ready for operation, it's important to take the necessary precautions. Proper safety gear is mandatory, and we advise wearing the designated protective eyeglasses, as well as gloves. Begin by plugging in the device and flipping the switch on. Start by slowly moving the light across all surfaces you would like to be sterilized. The closer you are to the surface, the faster it will kill pathogens. Refer to your owner's manual for further instruction on necessary exposure times. It is important to keep all body parts out of direct exposure to the light. To sterilize gear, lay it on a flat surface and slowly hover the UV over it. Once you are finished sterilizing, make sure to unplug the UV sterilizer and store it in a safe place. Congratulations, you have successfully sterilized. तो आपने देखा किस तरह से ये काम करता है। ये प्रोडक्ट इस तरह काम करेगा और क्या सेफ्टी मेजरमेंट हमें लेने चाहिए ये इसमें आपने देखा। ये यूवी लाइट क्या करती है, जितने भी डिजायर्ड एरिया हैं, आपका रैपिड स्पॉट क्लीनिंग, आज जितने भी सरफेस है जहां हम हाथ लगा देते हैं या कहीं से आने के बाद हाथ लगाते हैं, उन जगहों पे वायरस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्लास्टिक पर लगभग 72 आवर तक रह सकता है, आपके फर्नीचर पर लगभग 48 आवर तक रह सकता है। ये वायरस जिंदा रहता है और इसे इसके डीएनए को डीएक्टिवेट करना ज्यादा जरूरी होता है। ये प्रोडक्ट कितने का आता है, ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का आपने देखा ये प्रोडक्ट आता $699 यानी अराउंड 50,000 रुपीज, वहां से मंगाने का खर्चा लगभग 10,000 रुपए, तो ये 50,000 का आपको पड़ेगा। यहां इंडिया में कितने का मिल रहा है, महज 10,000 रुपए का। ये प्रोडक्ट लाइट बॉक्स है जिसे आपने देखा होगा, इसके अंदर कोई भी सामान जब आप लाते हैं तो इसके अंदर रख के सैनिटाइज कर सकते हैं, इसके अंदर रख के 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपने छोड़ दिया, ये उसे सैनिटाइज कर देगा। अपर रूम यूवीसी लाइट, ये प्रोडक्ट आज की डेट में हर रूम में रिक्वायरमेंट है
क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो बहुत सारा वायरस पैथोजन, नॉट ओनली कोविड 19, इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस और पैथोजन को हम अपने घर के अंदर लेके आते हैं। जब हम उसे लेके आते हैं तो वो हमारे थ्रू पूरे घर में फैल जाता है। अगर ये प्रोडक्ट आपके यहाँ लगा हुआ है और आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है जो स्लाइवा ड्रॉप करता है जिसमें बहुत सारे वायरस एंड पैथोजन होते हैं, तो इस प्रोडक्ट के थ्रू वो पूरी तरह डिस्कंट हो जाएगा रूम। सीडीसी सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल क्या कहता है? सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि एयर को मस्ट बी चेंज 10-12 टाइम पर आवर, यानी एवरी 5 मिनट के अंदर आपके रूम की एयर डिसइंफेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में बहुत सारे एयर के थ्रू, पार्टिकल के थ्रू वायरस एंड पैथोजन आपके रूम में ट्रेवल कर जाते हैं। ये प्रोडक्ट अगर लगा हुआ है तो चांसेस आर 99.9% चांसेस हैं कि आपका घर, आपका रूम, वो एरिया डिसइंफेक्ट होगा। HVAC लाइट, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है खास तौर से मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग जितनी भी हैं वो सारी की सारी सेंट्रलाइज एसी हैं। सेंट्रलाइज एसी होने की वजह से क्या होता है कि अगर किसी रूम में कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति आ गया और उसने स्लाइवा ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, जितने भी बिल्डिंग्स में कमरे हैं उनमें सब में डक के थ्रू ये वायरस पेनेट्रेट कर जाएगा और इस प्रोडक्ट के थ्रू हम उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये डक के लिए है और ये कॉयल के लिए। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? रेजिडेंशियल, ऑफिसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशनल, हॉस्पिटैलिटी, फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर, ये सारे हमारे टारगेट एरिया कस्टमर हैं। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हाई डेंसिटी के हैं, जो बहुत बड़े, खासतौर से हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, जहां पर कि हम इसे रख के पूरे बड़े एरिए को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बड़े टनल बना सकते हैं जहां के लिए बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सिंह सर, कैन यू हियर मी? या कैन यू गो बैक स्लाइड? व्हिच वन? यस दिस। ओके एक आगे बढ़ जाइए, एक स्लाइड। एप्लीकेशन आई वांट टू शो। एप्लीकेशन? यस, different kind of application, right? Okay, this is different kind. I'll make them little understand. Okay, Shruti, can you hear me? Yes, sir. Very good. Application मतलब जैसे सर ने बताया ना, application हम लोग कहाँ कहाँ माल को बेच सकते हैं, material को, ठीक है जी? Right. उनका कहना ये है, तो फिलहाल जैसे बहुत सारे ऑफिस है, थोड़ा बैक कर लीजिए, थोड़ा application slide में चले जाइए सिंह साहब। ठीक है। No, application slide. Yeah. This one? Application. कहाँ कहाँ हमारा application है बेचने का? अच्छा, potential है. ठीक है. ये application. Yes. हमारा residential हम घर में भी बेच सकते हैं, office में बेच सकते हैं, health care industries में बेच सकते हैं. आप लोग पहले समझिए कहाँ कहाँ हम लोग को बेचना है. एजुकेशनल सेक्टर में जैसे स्कूल्स हो गया, बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत मतलब लाइट की जरूरत है, सैनिटाइजर की जरूरत है, बॉक्स की जरूरत है, एयर प्यूरिफायर की जरूरत है, हॉस्पिटल्स में बहुत, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में, होटल्स वगैरह में, इस सब में बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल्स में जरूरी है, फिटनेस एंड वेलनेस, फिटनेस वगैरह में जिम वगैरह जो है, जिम सेंटर जरूरत है ना, क्लब हाउस में जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड आल्सो यू हैव सिंह साहब? यस। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गया, फार्मेसी, फार्मा ये दुकान है ना, मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप में भी नितांत आवश्यकता है। इसके बाद वेयर हाउस, माल जहाँ पे स्टोर करते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए मेडिकल दवा वगैरह जहाँ पे स्टोर करते हैं तो डिसइंफेक्ट होना चाहिए कोई भी मतलब कि वायरस को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट उन लोग को बहुत होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है बेचने से पहले। अकॉर्डिंगली यू कैन अप्रोच टू द राइट कस्टमर एट राइट प्लेस। गो अहेड सिंह साहब, एनी क्वेश्चन शुरू की? नो सर।
अप्रिन आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? कैन यू अनम्यूट? नो सर. आप समझ गए ना? हाँ सर समझे. जो भी आपको तकलीफ है नहीं समझ में आ रहा है इमीडिएटली क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको समझ में आएगा. ठीक है? ओके सर. वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में बहुत जरूरी है. प्लीज गो अहेड सिंह साहब. ओके, ये प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में बहुत हाई डेंसिटी का प्रोडक्ट है. लगभग 300-400 वाट का होता है. इसको 5 मिनट के लिए अगर हमने जला के छोड़ दिया तो बड़े से बड़े हॉल को डिसइंफेक्ट कर देगा. वहां से जब भी ऑपरेशन थिएटर या जो बड़े हॉल होते हैं जहां मल्टी बेड लगे होते हैं उन जगहों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ये टनल है. बस मेट्रो कार इन सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए टनल का इस्तेमाल किया जाता है. ये मार्केट कहाँ कहाँ है ये एक स्लाइड में आपको दिखाया गया है. क्लिनिक हॉस्पिटल इन इंडिया इज 50,000. आपके मुंबई मुंबई में कम से कम 1,000 हॉस्पिटल होंगे मिनिमम. क्लिनिक्स बहुत सारे क्लिनिक होंगे और ये 5 लाख क्लिनिक वो दिखाए गए हैं जो रजिस्टर्ड हैं. जो रजिस्टर्ड नहीं उनकी गिनती नहीं. मेडिसिन शॉप, एचवीएसी सिस्टम, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, मॉल, होम्स, आपके यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख से ज्यादा ऐसे घर होंगे जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी. मुंबई स्पेसिफिक मुंबई एरिया में जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ऑलमोस्ट उनके 2 BHK 3 BHK सब 1 करोड़ से ऊपर के हैं. जो भी 1 करोड़ से ऊपर के घर हैं वो आपका टारगेट मार्केट है. और ये बहुत बड़ा मार्केट है जो अनटच्ड है अभी, जिसको टच नहीं किया गया. क्योंकि कोरोना आपके लिए कोरोना वरदान साबित हो सकता है. हालांकि ये वरदान नहीं मानना चाहिए क्योंकि पूरी मानव जाति इससे त्रस्त है. और इसे अगर आप मानेंगे तो लोगों के लिए वरदान है ये. आप उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे इसको प्रमोट करके, इसको दिखा के. ये एक लिस्ट है 50,000 हॉस्पिटल इन इंडिया, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल, स्कूल्स, नंबर ऑफ ऑफिसेज, ये एक सिनेरियो दिखाया गया कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं इससे. अगर आप पूरे महीने काम करते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं और आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए का सेल कर पाते हैं तो 8,000 रुपए आपको इंसेंटिव का मिलेगा 5% के हिसाब से और 10 आपकी सैलरी प्लस योर सैलरी, जो भी आपकी सैलरी होगी वो मिलेगी. सिनेरियो टू, आप पूरे महीने थोड़ा सा दम लगाते हैं और 4 पीसेस सेल कर पाते हैं तो आपका टर्नओवर हो गया 3 लाख रुपए. लेकिन देखिए यहीं पर आपका सिनेरियो बदल जाता है. आपको कितना पैसा मिलेगा? इस जगह आपका इंसेंटिव 10% हो जाता है, यानी 31,000 प्लस सैलरी. आपकी जो भी सैलरी है वो भी मिलेगी, 31,000 ये भी मिलेगा. अवर अदर प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे लेकिन ये प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर, 6 लेयर PM2.5 प्रोटेक्शन मास्क, जर्म्स क्लीनिंग प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लाइट. बायोलॉजिकल इफेक्ट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे हम आगे कभी कवर करेंगे. व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस प्रोफेशन, सिनेरियो वन, अगर आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए चला जाता है तो आपको 50,000 केवल इंसेंटिव का मिलेगा प्लस सैलरी मिलेगी. ये कुछ पीओ दिखाए गए जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि एक एक पीओ की वैल्यू क्या होती है, एक एक परचेज ऑर्डर जो आता है उसकी वैल्यू क्या होती है. सिंगल परचेज ऑर्डर की वैल्यू क्या है? 1,80,000 रुपए. ये 4 पीस किसी ने ऑर्डर किया उसका है. सिंगल परचेज ऑर्डर वैल्यू इज 21 लाख. सिंगल परचेज ऑर्डर वैल्यू इज लगभग 8 लाख, 8-9 लाख. सिंगल परचेज ऑर्डर वैल्यू इज 2,17,000. तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं. एक्सक्यूज मी सिंह साहब. जी सर. श्रुति, अफरीन, ये जो सर दिखा रहे हैं ना परचेज वैल्यू का, ऑर्डर का वैल्यू दिखा रहे हैं ना, जैसे एक जगह से हॉस्पिटल में अगर आपको क्लिक हो गया तो वो लोग एक में एक प्रोडक्ट का नहीं ऑर्डर देंगे, बल्क में ऑर्डर देंगे. 4 प्रोडक्ट का 5 प्रोडक्ट का 10 प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. आपका जो है ना मतलब कि अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर आपका कमीशन बढ़ जाएगा. इसीलिए आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा और बाकी चीज भूल जाइए. बिजनेस तो यू ही आएगा बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू पीपल आर इन राइट प्लेटफॉर्म नाउ. गो अहेड सिंह साहब. ओके,
ओके जस्ट एंडेड। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ समझ नहीं आया तो बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, बात कर सकते हैं। हाय सर। हाँ जी। मुझे पूछना, जो आपने अभी प्रोडक्ट्स वैल्यू बताया हमें, वो फिर से एक बार मुझे समझा सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा खुले से समझा सकते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई उसमें। ओके, गुड गुड क्वेश्चन। बताइएगा कौन सी स्लाइड पे रुकना है? हाँ हाँ उधर ही। ये? Yes sir, this. Okay. ये टारगेट मार्केट, हमारी मार्केट कहाँ कहाँ है, हम कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को पिच करेंगे, कौन कौन सी जगह है जहां पर हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे हॉस्पिटल है इंडिया में तो लगभग 50,000 हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक लगभग 5,00,000 हैं। अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूं तो 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल होंगे आपके मुंबई मुंबई में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1,000 से ज्यादा है, यानी 1,000 हॉस्पिटल में अगर आपने बात करना शुरू किया, आपको एक दिन में कितने फोन कॉल कर सकता है व्यक्ति? 50, 60, 70, 100, 180। मैं 50 मिनिमम मान लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाएंगे, फोन पे बात नहीं होगी। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर आप उनसे दोबारा बात करेंगे, 3 बार बात करेंगे। अगर कुछ लोगों ने आपसे बात की, 50 फोन कॉल में 10 ही एवरेज आता है, 10 से 15 लोग हमारी बात सुनते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, ठीक है ना? तो जो लोग हमारी बात सुनते हैं, आपको 10 लोग अगर पूरे दिन में बात सुनते हैं और पूरे महीने आपने काम किया तो 2,500-2,500 लोगों ने आपकी बात सुनी। सिंह साहब, एक्सक्यूज मी जी, हम लोग का जो ये है पर डे विल मेंटेन 200 कॉल्स, ओके, एवरी डे। ओके, दैट इज फाइन। मैंने एक सिनेरियो, एक जनरल सिनेरियो लिया कि 2-3 घंटे भी अगर काम करते हैं तब की यह सिनेरियो है। 2 घंटे की बात बोल रहे हैं? हाँ, 2-3 घंटे करते हैं। 50 कॉल करते हैं, है ना? जी जी। अगर मान लीजिए 8 घंटे में इतना कॉल होता है, तो अगर ये थंब रूल होता है कि 50 में से 10 आदमी रिस्पॉन्ड करेगा, बिल्कुल साफ बता रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल वही बता रहे हैं। जी गो अहेड सिंह साहब। हाँ अच्छा, ये 1 मिनट में अभी ये कट जाएगा, मैं दोबारा लिंक बना के भेजता हूँ आपको, दोबारा कनेक्ट करिए आप लोग, ठीक है? ठीक है जी। ओके, हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन श्रुति, गुड क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे ही कनेक्ट होगा मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये जो मेडिसिन, मैं कुछ इस पे एक्सप्लेन करूंगा सिंह साहब। हाँ जी, सॉरी, बताइए। हाँ जी, जैसे उन्होंने, सिंह जी ने बताया, सिंह सर ने बताया कि हमारा जो मार्केट पोटेंशियल, ओके, हम कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और कितना का मार्केट है, यानी कि कितने का प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं उस मार्केट में। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में हमारा मोर देन 50,000, ओके, मतलब कि हमारा पोटेंशियल है। क्लिनिक में मतलब कि हॉस्पिटल जो मोर देन 50,000 जो दिया है ना, आई थिंक इट इज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, राइट सिंह साहब? राइट, यस, नंबर ऑफ हॉस्पिटल इतने, क्लिनिक मोर देन 5 लाख क्लिनिक है, ओके, मेडिकल शॉप्स मोर देन 80 लाख, 80 लाख से ज्यादा सिर्फ बॉम्बे में है, बॉम्बे में होटल्स 5 लाख से ज्यादा है, रेस्टोरेंट 20 लाख से ज्यादा, बताइए, ऑफिस 5 लाख से ज्यादा है, मॉल्स 20,000 से ज्यादा है, स्कूल्स 1 लाख से ज्यादा है, होम्स है, यानी कि इतना अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। अगर हम थोड़ा सा, अगर 1-2 सेगमेंट को ही इनिशियली फोकस करते हैं तो लॉट